To improve your knowledge of the markets, focus on three things: opening bell, closing bell, and the bell icon. वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपको फोर बिगेस्ट मिस्टेक्स यानी चार सबसे बड़ी गलतियां जो लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट में करते हैं उस पे बात करूंगा। ये समझना जरूरी है कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। यदि किसी को फायदा होता है तो किसी को नुकसान। अब आपको ये सोचना है कि आप किस कैंप में रहना चाहते हैं, फायदा करने वालों के साथ या फिर नुकसान करने वालों के साथ। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में एक खास बात ये है कि जब आप चाहे तेजी कर सकते हैं और जब चाहे मंदी कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप बाय करके चल सकते हैं और यदि आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप सेल करके चल सकते हैं, जिसे शॉर्ट सेलिंग भी कहते हैं। सबसे पहले मैं ये जो फोर बिग मिस्टेक्स हैं उसके बारे में ब्रीफली बताऊंगा और उसके बाद आने वाले एपिसोड्स में हर एक मिस्टेक को डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहला मिस्टेक है लैक ऑफ अ ट्रेडिंग प्लान, मतलब मार्केट में बिना सोचे समझे घुस जाना और कुछ भी खरीद लेना या फिर कुछ भी बेच देना और फिर एक बार पोजीशन बनाने के बाद हमेशा ये सोचते रहना कि कब इस पोजीशन से निकलना है। लेकिन जो प्रोफेशनल और सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं उनका एंट्री और एग्जिट प्लान पहले से ही बना होता है। दूसरी गलती, बहुत ज्यादा लेवरेज ले लेना बिना कुछ समझे। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। सपोज आपके जेब में 1000 रुपए हैं, आप बाजार जाते हैं कुछ खरीदने के लिए तो आप 1000 रुपए तक का ही सामान खरीद सकते हैं, दुकानदार आपको उससे ज्यादा का सामान नहीं देगा। लेकिन डेरिवेटिव्स मार्केट में फ्यूचर्स के लिए जहां मार्जिन अप्लाई होता है और ऑप्शंस के लिए प्रीमियम, मतलब कि डेरिवेटिव्स मार्केट में यदि आपके अकाउंट में 1000 रुपए हैं तो आप 5000 का, 10000 का या उससे ज्यादा बड़ा पोजीशन भी बना सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव्स एक लेवरेज इंस्ट्रूमेंट है। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी, दोनों समझना बहुत जरूरी है। इस पे आगे मैं बात करूंगा। तीसरी गलती, फेलियर टू कंट्रोल रिस्क, मतलब मार्केट में ट्रेडिंग करते समय जो रिस्क रहता है उसे सही तरह से कंट्रोल नहीं करना या फिर कर पाना। जिंदगी में हर एक कदम पे हमें रिस्क लेना पड़ता है, तब हम जिंदगी में काफी आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं जिंदगी में, ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते। ब्लाइंड रिस्क को गैम्बलिंग भी कहते हैं, जो सबसे ज्यादा नुकसान देता है। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप एक रिस्क लेते हैं, उसी तरह से जब आप मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं तो उसे भी एक बिजनेस की तरह ही देखिए। इससे आप रिस्क को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और लास्ट और चौथा, लैक ऑफ डिसिप्लिन। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि यदि आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो जो एडवाइस हम दूसरों को देते हैं उसे खुद भी फॉलो करें तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। कहना मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि मार्केट नहीं चाहता कि आप डिसिप्लिन्ड हो, मार्केट नहीं चाहता कि आप लॉजिकल हो, मार्केट तो ये चाहता है कि आप हमेशा इमोशनल रहें। एक बात जो समझने लायक और बहुत काम की है वो ये है कि मार्केट में हमें कंप्लीट फ्रीडम, मतलब पूरी आजादी है कुछ भी करने की। मतलब किसी भी भाव पे हम बाई कर सकते हैं और किसी भी भाव पे हम सेल कर सकते हैं और जितना क्वांटिटी चाहे उतना, जब तक हमारे अकाउंट में पैसा है। लेकिन जिंदगी में हमें ऐसी आजादी नहीं है, हमारी पूरी जिंदगी रूल्स और कस्टम्स में बीत जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जिस घर में जन्म लेते हैं वहाँ के रीति रिवाज, जिस स्कूल कॉलेज कंपनी में जाते हैं वहाँ के रूल्स, सोसाइटी के रूल्स एक्सेट्रा। मतलब जिंदगी में हम रूल्स से बंध जाते हैं लेकिन मार्केट में कोई रूल्स नहीं है और इससे हमें काफी परेशानी होती है मार्केट्स में सक्सेसफुली ट्रेड या इन्वेस्ट करने में। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ये हमेशा बोलते हैं कि यदि मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो कुछ रूल्स जरूर होने चाहिए। मार्केट में न कोई शुरुआत होती है और न कोई अंत। जहां से हम एंट्री लेते हैं वहीं से हमारे लिए शुरुआत होती है और जहां हमने एग्जिट किया वही हमारे लिए अंत। फिलहाल इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फोर बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के फर्स्ट मिस्टेक यानी लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान पे डिटेल में बात करूंगा। तब तक के लिए अलविदा। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.